प्रियंका गांधी आज धार में करेंगी जनसभा। जनसभा में लाखों की भीड़, भाजपाइयों में मची अफरा तफरी। आपको बताते चले, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने धार जिले के मोहनखेड़ा आ रही हैं। यहां वे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसमें इंदौर सहित 9 जिलों में आने वाली 5 लोकसभा और 41 विधानसभा सीटों के पदाधिकारियों को बुलाया गया है। इसमें विधायक, पूर्व विधायक और पूर्व सांसद शामिल हैं। हर जिले को ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने का टारगेट दिया गया है। कांग्रेस ने प्रियंका की सभा में करीब 1,00,000 लोगों के जुटने का दावा किया है, क्योंकि उनके मालवा निमाड़ दौरे से कांग्रेस को उम्मीद है कि उनके दौरे से पार्टी की सीटें बढ़ेंगी। इसी के साथ खासतौर से आदिवासी सीटों में इजाफा होगा। पिछले चुनाव में मालवा निमाड़ की 22 आदिवासी सीटों में से कांग्रेस के पास 15 सीटें थी, बीजेपी के पास मात्र 6 सीट थी। फिलहाल आपको बताते चले कि एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने चुनाव जीता था। यही प्रदर्शन कांग्रेस 2023 के चुनाव में दोहराना चाहती है, इसलिए प्रियंका गांधी को आदिवासी बाहुल्य धार जिले में लाया गया है। दूसरी ओर प्रियंका गांधी के धार जोर पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि यूपी के विधानसभा चुनाव में भी प्रियंका गांधी गई थी और वहां वो 2.5 सीट भी नहीं जीता पाई। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि कांग्रेस ये बड़ा दावा कर रही है कि प्रियंका गांधी के जनसभा में लाखों लोग जुटेंगे, जिसे देखकर भाजपाइयों में खलबली मची हुई है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर।